जी मैं इसमें मौजूद हूँ लाड़ी अड्डे पर, जहाँ दो रोज़ा बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला गया, लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। आइए मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये कोई पानी का मिनी तालाब नहीं बल्कि जनरल बस स्टैंड भक्खर है, जहां मुतलका हुकाम की नाहेली की वजह से ये बस स्टैंड किसी जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। भक्खर सूबा पंजाब और केपीके के समंगम पर वाकई एक अहम जिला है, जिसकी वजह से यहां मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सफर करने वाले मुसाफिरों का खासा रश रहता है। लेकिन इंतजामिया की नाहेली और गफलत की वजह से बस स्टैंड किसी खस्ता हाल जोहड़ का मंजर पेश करता है। कई रोज कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से निकाला नहीं जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पर जगह बजगह पानी के छोटे छोटे जोहड़ बन गए हैं, जिनसे मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ये मुझे इस अड्डे पर 16 साल हो गए हैं, हर साल ये सुनता हूँ कि इस साल जो है ये अड्डे का जो है मरम्मती का काम होगा, लेकिन सुनते सुनते हमारे इतना अरसा हो गया लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। हर हुकूमत का जो भी बंदा आता है इधर देखता है, लेकिन वो कहते हैं भाई ठेका हो गया है, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ जी। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये जल्द अज जल्द इसका जो मरम्मती का काम है वो शुरू किया जाए। आम शहरियों का कहना है कि बस स्टैंड में न सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स का मसला है बल्कि इसके साथ साथ यहाँ दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम नहीं की जा रही। महाना लाखों रुपए का रेवेन्यू देने वाला जन्नत बस स्टैंड भक्खर एक सिक्योरिटी रिस्क भी बन चुका है, जहाँ पुलिस चौकी तो बंद है ही लेकिन वहाँ इसके साथ साथ नसब सीसीटीवी कैमरे भी खराब हो चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बेटा, ये आपके सामने ही है, ये हमारे जो अड्डे के ये जो बैठे हुए हैं हमारे अफसरान, जो जिम्मेदार, जो इसके पैसे ले रहे हैं, जो इसके करोड़ों रुपए से वसूल हो रहे हैं अड्डे से, इसमें बीमारी देखें, बदबू देखें, स्मेल देखें, ठीक है, मच्छर इसमें पैदा हो रहा है, कीड़ा इसमें पैदा हो रहा है, खाने के होटल देखें, सारी चीज़ उसी के ऊपर जाती है। तो खुदा रहा इसके लिए कुछ देखें और इनको कहें को इसकी रोड की और इसकी कोई ये कितना करें कि कम अज़ कम पानी तो ना खड़ा हो। तो यहाँ इस हमारी कोई सदबार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो खुदा रहा जो हमारे यहाँ हाकिम बैठे हैं वो देखें, जो अफसरान बैठे हैं वो देखें, आके इस अड्डे का विजिट करें कि ये इसकी क्या बुझे, इसकी आमदन देखें कहाँ जा रही है। हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेहरबानी आपकी। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जिले इंतजामिया जनरल बस स्टैंड की सूरत हाल को सुधारने के लिए अपना किरदार अदा करे, ताकि इसको स्टेट ऑफ द आर्ट जनरल बस स्टैंड बनाया जा सके। सवाल नामा नेटवर्क, सवाल से जवाब तक।